हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विदिशा इंडियन किचन में। तो आज हम बनाएंगे सोयाबीन कोफ्ता करी, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और लाजवाब होती है और जल्दी से बन भी जाती है। एक बार ज़रूर बनाकर खाएं और हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। और इसे आप चावल रोटी के साथ सर्व कर सकती हैं। हमारी वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। तो चलिए बनाते हैं सोयाबीन कोफ्ता करी। तो आज हम बनाएंगे सोयाबीन की कोफ्ता करी। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए हम देख लेते हैं। तो पहले हम कोफ्ते के लिए तैयारी कर लेंगे। तो हमने सोयाबीन को पहले पानी उबाल लिया, उसमें डालकर थोड़ा सा नमक डाल दीजिए। उसके बाद सोयाबीन डालिए, अभी अच्छे से उबल जाए, एकदम गलाना नहीं है, इस टाइप से सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद इसे आप अच्छे से दो तीन पानी धोकर और इसे अच्छे से मुट्ठी के इस तरह से इसका पानी निचोड़ लीजिए। उसके बाद इसे हम मिक्सर में हल्का सा ग्राइंड करेंगे। पेस्ट नहीं बनाना है क्योंकि कोफ्ता हम बना रहे हैं, तो इसे हम पहले ग्राइंड कर लेते हैं। इस तरह से निकाल कर इसका पानी मुट्ठी में अच्छे से बांध कर इसका पानी निकालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो गिल्ला हो जाएगा और कोफ्ता आपका अच्छा नहीं बनेगा। तो इस तरह से आप सारे सोयाबीन को निचोड़ लीजिए पानी। तो इसे हम मिक्सर के जार में ग्राइंड करेंगे हल्का सा। उसके बाद आपको हम बताते हैं क्या क्या डालना है। तो देखिए, हमने इसे मिक्सर जार में हल्का ग्राइंड कर लिया है, इसका पेस्ट नहीं बनाना है। हाँ, तो इसे हमने हल्का मिक्सर में जार में हल्का ग्राइंड कर लिया है, इस तरह से करना है, इसे पेस्ट नहीं बनाना है क्योंकि हम कोफ्ता बना रहे हैं। और तीन मीडियम प्याज लिए हैं जिसे हमने चॉपनर में चॉप कर लिया है। तो इस तरह से इस प्याज को इसी में डाल देना है। और बाइंडिंग के लिए हमने बेसन लिया है, जितना लगेगा उतना लगाएंगे हम। और इसमें थोड़ा सा, हमारे पास हरी मिर्च नहीं थी, आपके पास है तो तीन चार अपने तीखा के हिसाब, जितना तीखा आप लोगों को पसंद हो उतना डाल सकती हैं। अभी यहाँ लॉकडाउन लग गया है इसलिए कुछ मिल भी नहीं रहा है। और थोड़ा सा हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। अब इसमें हम ये बेसन डालेंगे, इसको थोड़ी से लिए हैं, अब जितना लग जाए। और इसे अच्छे से मिक्स करना है। ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और हेल्दी भी होता है, कभी कभार खाने के लिए बहुत अच्छा लगता है। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसका हम कोफ्ता बनाकर फ्राई करेंगे। थोड़ा सा और हम इसमें बेसन डाल रहे हैं क्योंकि ऑयल में डालेंगे कहीं खुल फट ना जाए, इसके लिए। इसमें धनिया पत्ता भी डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं था इसलिए हम लाल मिर्च पाउडर ही यूज किए हैं। आप अगर चाहें तो धनिया पत्ता, प्याज, हरी मिर्च डालकर बनाइए, बहुत अच्छा बनता है। लेकिन नहीं है तो जो है उसी में बनाएंगे हम। तो हमारा मिक्सर तैयार हो गया है, मिक्सर इस तरह से बना लेना है। अब इसका हम कोफ्ता का शेप देंगे, इसको जितना आपको गोल बनाना है, आप चाहें तो जिस तरह का इस तरह का भी शेप दे सकती हैं, लेकिन
इस तरह का शेप ज़्यादा अच्छा लगता है, ऐसे हम बना लेंगे। तो देखिए हमने गैस पर फ्राई रख दिया था और इसमें हमने सरसों का ऑयल लिया है फ्राई करने के लिए। आप अगर चाहे तो कोई भी कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हैं। तो हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया है और कोफ्ता भी हमारा बनकर फ्राई होने के लिए रेडी हो गया है। तो चलिए हम एक एक करके कोफ्ते को डाल देते हैं। ऐसे डालकर तुरंत नहीं चलाना है, 5 मिनट हो जाएगा, 2-3 मिनट, उसके बाद इसको हम चलाएंगे। तो इस तरह से हम सारे कोफ्ते को फ्राई कर लेंगे। तो देखिए 2-3 मिनट हो गया, हम इसको अब उलट पलट देते हैं और इसे अब फ्लेम को भी हम मीडियम कर देते हैं, जिससे ऊपर से ही नहीं अंदर से भी अच्छे से पक जाए। ऐसे तो उबला हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको फ्राई होने में। तो देखिए कितना अच्छा हमारा कोफ्ता बनकर तैयार हो रहा है। तो इस तरह से आप भी अच्छे से फ्राई कर लीजिए। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है सोयाबीन की कोफ्ता करी बनाने में और खाने में बहुत लाजवाब लगता है, एक बार जरूर बनाकर खाइए। तो इसे हम अब निकाल लेते हैं। देखिए कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो इस तरह से हम सारे कोफ्ते को हम बना लेंगे, एक एक करके फ्राई कर लेंगे। और हमने 3 पैकेट फॉर्चून का सोयाबीन लिया था, 10-10 रुपये में जो आता है, और उसमें लहसुन हमने 100 ग्राम जो लिया था तो उसमें इतना बच गया है। इतना हमको बेसन 100 ग्राम था, लगभग चौथाई, एक मैंने एक चौथाई, एक कटोरी में एक चौथाई लग गया है। देखिए हमारे सारे कोफ्ते बनकर रेडी हो गए। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए कितना अच्छा कलर भी आया है। तो इस तरह से आप कोफ्ता को फ्राई कर लें। उसके बाद अब हम इसका ग्रेवी तैयार करेंगे जो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कितना अच्छा कोफ्ता बना है, देखिए कितना सॉफ्ट है, देखिए कितना सॉफ्ट है, इसे छूने से ही ये इतना सॉफ्ट है, स्पॉन्जी बना है। तो हम गैस को अभी ऑफ कर देते हैं और ग्रेवी का हम तैयारी करेंगे।
देख लेते हैं ग्रेवी में हमें क्या क्या चाहिए। तो ये देख लेते हैं हमें ग्रेवी में क्या क्या मसाला चाहिए। तो उसके लिए हमने पहले खड़ा मसाला लिए हैं, 3 प्याज है, 8 से 10 लहसुन की कलियां हैं और 6 से 7 सूखी मिर्च है, तीखा अपने हिसाब से ले सकती हैं। इसको हम मिक्सर में फाइन पेस्ट बना लेंगे। और 3 टमाटर हमने कद्दूकस कर लिया है, आप अगर चाहें तो इसका पेस्ट भी बना सकती हैं। और फ़ौरन के लिए लिया है हमने तड़के के लिए थोड़ा सा पचफोरन, 1/2 टीस्पून होगा, 1/2 टीस्पून जीरा और 2 से 3 तेज़पत्ता है और 2 से 3 सूखी मिर्च, इसको हम तड़का लगाएंगे इससे। और होममेड हमने ये मसाला है, इसमें जीरा, धनिया और थोड़ी सी गोल मिर्च और सूखी मिर्च और 2-3 तेज़पत्ता हमने इसे सूखा भून कर इसे मिक्सर में सूखा ही पीस लिया है। इसका अगर आपको वीडियो रेसिपी अगर चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, तो हम ज़रूर इसका रेसिपी भी डालेंगे। और हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक और फ्राई किया हुआ तेल है, इसको हम कम कर लेंगे और इसी में हम बनाएंगे कोफ्ता करी। तो चलिए हम पहले इसका पेस्ट बना लेते हैं। तो देखिए हमने गैस पर कढ़ाई रख दिया है और इसमें तेल हमने ज़्यादा था फ्राई करने के लिए जो लिया था उसमें से हमने कम कर दिया है, और इसमें 3 से 4 चम्मच तेल ऑयल है। तो इसमें हम इसको गर्म हो जाएगा ये, तो इसमें हम तड़का लगाएंगे। देखिए हम प्याज बोलना भूल गए थे, तो हमने प्याज 5 है मीडियम साइज़ का, छोटा छोटा था इतना। आप अगर बड़ा प्याज ले रहे हैं तो 1 से 2 प्याज ले लीजिए, इसे हमने चॉपनर में चॉप कर लिया है। आप अगर चाहें तो कद्दूकस भी कर सकते हैं, नहीं हमने इस तरह से ले लिया है। तो अब हम तड़का लगाएंगे, हमारा तेल गर्म हो गया है अच्छे से। तो हमारा तड़का देखिए चटक गया है, अब इसमें हम डाल देते हैं प्याज। इसे हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे अच्छे से भून लेंगे, उसके बाद इसमें हम मसाला सारा डालेंगे। फ्लेम को हमने हाई रखा है, इसी पर भून लेना है चलाते हुए। प्याज को अगर कच्चा रखेंगे तो सब्ज़ी में टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, इसलिए इसको गोल्डन ब्राउन कर लेना है, डार्क लाइट नहीं भूनना है। तो देखिए हमारा प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब इसमें हम डाल देंगे जो खड़ा पेस्ट हम मिक्सर में पेस्ट बना लिया था खड़ा मसाला का, तो इसको हम इसी में डाल देते हैं। इसको भी 2 से 3 मिनट भून लेते हैं। लहसुन का प्याज का जो कच्चापन है वो निकल जाए, नहीं तो लहसुन का स्मेल आता है तो फिर सब्ज़ी में टेस्ट नहीं लगता है। फ्लेम को हमने हाई रखा है और बिल्कुल छोड़ नहीं रहे हैं, इसको चलाते हुए भून रहे हैं। ये सब्जी बहुत ही अच्छा बनता है, खाने में बहुत टेस्टी होता है।
जरूर आप लोग भी बनाए एक बार। सब्जी का मेन होता है कि मसाला जितना अच्छा से भुने सब्जी उतना ही अच्छा बनेगा। और आप अगर चाहें तो जो हमने खड़ा मसाला दिया तो उसमें थोड़ा अदरक ले सकते हैं, हाफ इंच। हम अदरक यूज नहीं करते हैं और गरम मसाला भी बहुत कम ही यूज करते हैं। आप लोग अगर चाहें तो गरम मसाला और अदरक का पेस्ट में अदरक पीस लीजिए और ऊपर से थोड़ा सा गरम मसाला, या तड़के में भी डाल सकते हैं। खड़ा गरम मसाला हो गया, जैसे थोड़ा सा हाफ इंच दालचीनी हो गया, दो हरी इलायची हो गए, दो लौंग, इससे आप तड़का लगा सकते हैं। तो देखिए हमारा 2 से 3 मिनट हो गया है उनते हुए। अब इसमें हम डाल देते हैं ये प्याज, सॉरी टमाटर, जिसे हमने कद्दूकस करके रख लिया था, और इसे हम मिला लेते हैं। और इसे हम 15 से 20 मिनट तक भूनेंगे। उससे पहले हम इसमें ये सूखा मसाला जो हमने होममेड तैयार किया है, बड़े चम्मच से 1.5 चम्मच हाफ चम्मच हल्दी पाउडर, और स्वाद अनुसार नमक। ध्यान रखें कोफ्ते में भी नमक है तो थोड़ा हिसाब से ही डालें, ज़्यादा हो जाए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। कम रहेगा तो आप ऊपर से लेके दोबारा यूज कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा हो जाए तो फिर दिक्कत हो जाती है, तो सब्जी का टेस्ट बिगड़ जाता है। तो इसे हम अब हाई फ्लेम पर हैं चलाते हुए 15 मिनट, ज़्यादा नहीं, 15 मिनट इसको भून लेते हैं। तो देखिए मसाले को भूनते हुए 15 मिनट हो गए हैं और बहुत अच्छा हमारा मसाला भून गया है। तो इस तरह से आप भी भून लें, मसाला जितना भुनाएगा सब्जी उतना ही टेस्ट आएगा, लेकिन ज़्यादा हो जाएगा तो फिर भी गड़बड़ हो जाएगा। तो इसमें हम अब पानी डाल देते हैं ग्रेवी के लिए। तो हमने हाई फ्लेम पर ही भुना था मसाला को। अगर आपका तले में लग रहा है कढ़ाई के तो आप थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसे भून सकती हैं। इसमें हमने 2 गिलास पानी ऐड किया है, लगता है थोड़ा गाढ़ा है। आप अगर जितना गाढ़ी आपको पसंद हो उतना गाढ़ी या पतली कर सकते हैं। हम थोड़ा इसमें और पानी ऐड कर दिए 1/2 गिलास। अब इसमें एक उबाल आ जाएगा, उसके बाद हम कोफ्ते को डालेंगे। तो ढक्कन लगा देते हैं, ढक देते हैं इसको, जल्दी से उबाल आ जाए इसमें। चलिए देख लेते हैं हमारी ग्रेवी में उबाल आ गई है, देखिए कितना अच्छा। अब इसमें हम एक एक करके कोफ्ते को डाल देंगे। इसको एक बार धीरे से हल्के हाथ से मिला लेंगे। अब इसे हम 4-5 मिनट बस हाई फ्लेम पर ही उबाल लेंगे, जे हमारा कोफ्ता भी ग्रेवी में अच्छे से मिक्स हो जाए, एब्जॉर्ब कर ले। तो हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। तो फिर मिलेंगे हमें नए रेसिपी के साथ।
तब तक आप लोग घर में रहें, स्वस्थ रहें।